जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के रिक्रूटमेंट के बाद में सबसे ज्यादा व्यर्थों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आरपीएफ में ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट है वो कब आएगा और कितने पदों पर इस बार रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पिछला जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के कुछ ही दिन बाद में इसका नोटिफिकेशन आ गया था और अभी तक काफी बच्चों का इसमें सिलेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसकी जारी की जाती है और धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में वापस छोड़ देते हैं, उनकी जगह नए बच्चों को भी शामिल किया जाता है। तो ऐसा ही एक बड़ा रिक्रूटमेंट आप सभी को बता है, किसी भी फोर्स में अगर जवान होंगे तो वहां पर ट्रेडमैन के पद भी जरूर होंगे, क्योंकि सेना कहीं पर भी फोर्स की बात करेंगे तो उन्हें सही तरीके से काम करने के लिए, एक सहायता के लिए उन्हें ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली जाती है, जो उन्हें खाना बना के देती है, उनके कपड़े धोने का काम करते हैं, उनके जूतों को पॉलिश वगैरह, उनकी कटिंग वगैरह, शेविंग वगैरह बनाने का काम करती है, और इन्हीं सभी पदों को कहा जाता है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद। बिल्कुल आप लोगों के लिए एक बम्पर रिक्रूटमेंट लेके आया हूं। जो भी कैंडिडेट है 10वीं पास है, ऑल ओवर इंडिया, भारत के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो सकते हैं आरपीएफ में ट्रेड्समैन के पद पर। तो बिल्कुल इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगे आने वाली आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भर्ती से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये ट्रेड वाइज वैकेंसी की डिटेल दी गई है। सबसे पहले मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बता देता हूं कि आखिर इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो बिल्कुल आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी जो वैकेंसी आती है वो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आती है उसी की तरह आती है, मतलब वैकेंसी जोन वाइज होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्रेड नेम दिया गया है, ये कैटेगरी डिटेल दी गई है और यहां पर दिया गया है कि जो ट्रेड वाइज जो वैकेंसी आपकी जोन वाइज, जैसे कि साउथ रीजन, साउथ वेस्ट रीजन, साउथ सेंट्रल रीजन, अलग अलग रीजन वाइज आप लोगों की वैकेंसी होती है और जिस भी रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं वह एक कैंडिडेट केवल एक ही रीजन से अप्लाई कर पाता है और जिस रीजन से आप अप्लाई करते हैं उसी रीजन में आप लोगों को नौकरी करनी पड़ती है, केवल आरपीएसएफ को छोड़कर, क्योंकि आरपीएसएफ का जो जॉब है वो ऑल इंडिया जॉब होता है, जबकि आरपीएफ का जो जॉब होता है वो आपके रीजन वाइज होते हैं। अलग अलग रीजनों में अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलती है, जिनमें आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी कांस्टेबल वोटर कैरियर, कांस्टेबल सफाई वाला, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल माली, कांस्टेबल टेलर और कांस्टेबल कोबलर, इन सभी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और इस बार के रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई 1000 से ज्यादा पदों का रिक्रूटमेंट इस बार आप लोगों को देखने को मिल सकता है आरपीएफ में, क्योंकि आप सभी को पता है आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों की वैकेंसी काफी लंबे समय से नहीं आ पाई है और इसको लेकर अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक काफी बड़ा बदलाव किया गया है। इतने दिन जो आपका प्रोसेस होता था वो सारा का सारा प्रोसेस है वो आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय, आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वही आपका एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाएगी और बाकी का जो काम होता है फिजिकल मेडिकल वगैरह का वो आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाने वाली है। तो बिल्कुल वैकेंसी काफी बड़ी आएगी और इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले बता दूं, कोई भी बच्चा अगर आप टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, बिल्कुल जीरो से और बेसिक से, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए हमारा फिर से एक नया बैच आ चुका है एसएससीडी 2023-24 के लिए, ब्रह्मास्त्र बैच, और अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। जो बच्चा इस बैच से तैयारी करेगा बिल्कुल आरपीएफ में उसे बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, जीके सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक वाइज लाइव क्लासे मिलेगी, लाइव के साथ में रिकॉर्डेड क्लासे भी एप्लीकेशन पे रहेगी। टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स रहेगा, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज रहेगा और ये सारा टीसीएस पैटर्न पर आधारित होगा, क्योंकि आरपीएफ का भी एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाली। इसके साथ ही जो भी बच्चा एसएसबी ट्रेडमैन और ड्राइवर का फिजिकल पास कर लिया है, बिल्कुल नया वर्दी बैच शुरू हो चुका है, पिछले बैच से 1500 से ज्यादा बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया था, क्योंकि आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म स्पेशल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच ही लेके आता है जो कि फोर्सेज को समर्पित होता है, खासतौर से प्रमिलिट्री फोर्सेज को होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जितनी भी फोर्स आती है उन सभी के टारगेटेड बैच हमारे एप्लीकेशन पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए हमारा हवलदार बैच चल रहा है और वही बात करें तो दिल्ली पुलिस में भी एमटीएस का रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें भी ट्रेडमैन की वैकेंसी आ रही है और इसके लिए भी हमारा राजधानी बैच शुरू हो चुका है। और बिल्कुल मैं आप लोगों को बता
बता दूं, अभी चल रहा है सभी कोर्सों पर 60% की छूट का ऑफर। बिल्कुल आप देख रहे होंगे, जो कोर्स 999 रुपए मिल रहा था वही संपूर्ण कोर्स आज रात आपको मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल अभी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट रहता है बिल्कुल आप 24 आवर्स इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करेगी कोई भी अगर आपके एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है तो। अब बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं, कैंडिडेट पास्ट क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अगर आपने 10वीं पास की है बिल्कुल आप इस ट्रेडमैन के रिक्रूटमेंट के एलिजिबल है। कितने भी परसेंट हो आपके, लेकिन आपकी मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही मैं अगर एज की बात करता हूं तो मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल रहेगी, ये जनरल वालों के लिए रहेगी। लेकिन इसमें भी दोस्तों कोविड वाली 3 साल की आपको एक्स्ट्रा छूट भी देखने को मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कोविड वाली को छोड़ने के बाद में, तो यहां पर जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनको 3 साल की आयु में छूट दी जाती है और एससी एसटी वालों को 5 साल की आयु में छूट दी जाती है। लेकिन अलग से आपको कोविड की जो छूट मिलेगी वो सभी को 3-3 की यहां पर छूट मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूं इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, हाइट वगैरह, तो बिल्कुल आपको हाइट में काफी ज्यादा छूट यहां पर दी जाएगी। बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं तो हाइट की बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट का इश्यू बना रहता है और सबसे ज्यादा वो कैंडिडेट तैयारी करते हैं आरपीएफ की जिनकी हाइट कम होती है। बिल्कुल यहां पर अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो भी आरपीएफ के इस कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर एससी और एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी फीमेल की 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। और वही बात करता हूं एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनका जो चेस्ट है वो 76.2 से लेकर 81.2 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो 9 पिट का लॉन्ग जंप होगा जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। अगर मैं हाई जंप की बात करता हूं तो 3 पिट का हाई जंप होगा जिसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। अगर मैं दौड़ की बात करता हूं तो 800 मीटर की रेस होगी जिसमें समय मिलेगा आपको 3 मिनट और 40 सेकेंड का। अब इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बैट टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बैट टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे और ये कंप्यूटर टेस्ट होगा ये आरआरबी कंडक्ट करवाएगी। कौन का कंडक्ट करवाएगी? आरआरबी कंडक्ट करवाएगी जो कि फर्स्ट फेज में होगा। सेकंड फेज की बात करता हूं तो सेकंड फेज का जो प्रोसेस होगा वो आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाएगी, मतलब आपका पीटी और पीएचटी का जो प्रोसेस होगा वो आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाने वाली है। और जो भी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उन सभी का जो डीएमई होगा डॉक्यूमेंट के साथ में मेडिकल होगा वो भी आरपीएफ ही कंडक्ट यहां पर करवाने वाली है। और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से 2 नोटिस जारी किए गए थे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती को लेकर कि 2018 के बाद में भर्ती नहीं आई है और इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है रेलवे की सुरक्षा को लेकर। तो इन सभी की जिम्मेदारी है वो अब आरआरबी को दे दी गई है और अब आरआरबी बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी होगी। और उसके बाद में एक अलग से रिक्रूटमेंट होगा 1000 से ज्यादा पदों का जो कि ट्रेड्समैन के पदों पर होगा जिनमें अलग अलग ट्रेडों की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बम्पर रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। लेकिन बच्चों इन रिक्रूटमेंटों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपकी रिटन एग्जामिनेशन पर पकड़ बेहतरीन होगी, तो बिल्कुल आप किसी न किसी एग्जाम को आराम से करेक्ट कर लेंगे। इसके साथ ही बता दूं रोज शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेशन चलता है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल ये शाम वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। वही सुबह 10:15 पर भी एक प्रैक्टिस सेशन चलता है जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाए जाते हैं। तो बिल्कुल एप्लीकेशन को जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। साथ ही पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो भाई टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना बेस्ट एग्जाम भाई बाबू फौजी। इसके अलावा दोस्तों आप कौन से राज्य से हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।